सो गाइज, ये हम चकराता से देहरादून के लिए निकल रहे थे वाया देहरादून टू हरिद्वार। और लास्ट पार्ट जो हमारा पार्ट 6 था, उसमें हम रामताल गार्डन तक घूम रहे थे क्योंकि ये ऑन द वे ही पड़ता था। अब हम ये जो वीडियो में आप देख रहे हो सहेलिया पहुंच गए हैं, जो कि मिड पॉइंट पड़ता है चकराता और देहरादून के बीच में। तो जिसने भी लास्ट पार्ट नहीं देखा है वो मेरा लास्ट पार्ट जाके देख सकते हैं और उसके आगे का ये आप फिर इंजॉय कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में रामताल गार्डन और जो टॉप था हमारा चेनमेरी टॉप वो आप देख सकते हो, उस पर और सारी चीज़ें बताई थी मैंने। उसके आगे का ये पॉइंट और पार्ट है, तो इंजॉय करिए। सो गाइज, ऑन द वे टू अपना देहरादून टू हरिद्वार कंटिन्यू है और अभी एक पॉइंट पे रुके हुए हैं हम। काफ़ी ब्यूटीफुल सा पॉइंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बाइक्स खड़ी हैं हमारी। इसके अलावा ये देखिए आप, ये नीचे से यहाँ पे रिवर गई हुई है, यमुना रिवर है ये। ये पूरी डेप्थ है खाई की और वो रोड गई है आगे सामने और ये उतना ही ऊपर पहाड़। एक अलग ही प्यारा सा व्यू आ रहा है यहाँ पे, मज़ा ही आ रहा है रियल टाइम में, तो अलग ही फील है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम जा रहे हैं, देखते हैं। सो गाइज, मैं यहाँ पे अभी हूँ, आप देख सकते हैं वाटरफॉल वगैरह, ऑन द वे ही था ये, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी है, आपको संभल के जाना होगा यहाँ पे। फाइनली सो क्लियर वाटर देख सकते हैं आप लोग। सो गाइज, फाइनली हम यहाँ पे देहरादून में हैं और देहरादून में हैं हम FRI में, जो कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये वही यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट बोल सकते हो आप, इंस्टीट्यूट है जहाँ पे शूटिंग हुई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी है, अंदर से बाहर से सारी मैं सारी दिखाऊँगा और मुझे लगता है वर्थ इट है आना। 15 रुपीज़ का एंट्री टिकट है और बाइक से आते हो तो 25 रुपीज़ आपका बाइक पार्किंग का टिकट है। तो दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा ये जो मैंने कैंपस का दिखाया है, ये बैक एंड साइड फ्रंट एंड वाला भी दिखाऊंगा,
काफ़ी ब्यूटीफुल सी और बहुत बड़ी ही है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सारे ही सीन्स व्यूज वगैरह देख लिए होंगे, काफ़ी वर्थ इट लगा, काफ़ी अच्छा है। अगर आप वो वीडियो शूट फोटो शूट करना है और पूरा डे स्पेंड करना है बढ़िया में, तो आप बिल्कुल एक बार तो विज़िट कर ही सकते हैं एफआरआई। और 15 रुपीज़ का यहाँ पे टिकट है, पार्किंग भी बहुत नॉमिनल है, अंदर सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं एंड दिस कैंपस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। फाइनली हम ये रुके हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी फेमस जगह है, तो यहाँ के पनीर पकौड़े बहुत फेमस हैं। हमने यहाँ पे पनीर पकौड़े और चाय ले रखी है। हरिद्वार यहाँ से 20 किलोमीटर लगभग है, जो 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, बाइक वाइक वापस करेंगे, सिक्योरिटी मनी वापस लेंगे, सारी डिटेल देखेंगे बाकी। और काफ़ी टाइम से हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, अभी 5:10 हो रहा है और मेरा एक्सपेक्टेड जो टाइम है कि हम 6 बजे तक बाइक वाइक का डन करके 6:30 तक अपने फ्लैट पहुँच जाएंगे। सो फ्लैट में पहुँचने के बाद सारा कंक्लूजन बताने वाला हूँ इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड टिल लास्ट और मिलते हैं। यहाँ पे वापस आ चुके हैं और अभी आके हमने यहाँ पे अपनी बाइक और एक जो चीज़ डिटेल्ड बाद में कंक्लूड करेंगे, बट मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि हमने कितना राइड किया। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा पूरा जो ट्रिप रहा अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर्स का रहा है और मेरी बाइक ने जो एवरेज निकाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 40-42 का निकाला है। अभी भी इसमें पेट्रोल है अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर्स एंड जो हंटर थी हमारी उसमें हमने 10 लीटर्स पेट्रोल डलाया था और हमने वापस कर दी 350 किलोमीटर्स चला के, अज्यूमिंग कि उसने 35-40 का एवरेज दिया होगा, तो उस पर भी 1 लीटर पेट्रोल है, तो हंटर भी अच्छा खासा एवरेज दे रही है। तो फ्यूलिंग में ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा अगर आप जोड़ के चलोगे तो, अप्रॉक्सीमेटली 1800 रुपये में आपका पेट्रोल का हो गया इतने में। सो बाकी बातें करेंगे अभी थोड़ी देर में जाके, अभी आ गए वापस, तो रूम पर जाते हैं अपना फ्रेश होते हैं और फिर बात करते हैं।